नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा सिंह होम फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी मटर पतीला, जिसे हम कुलचों के साथ सर्व करेंगे। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से व कम समय में बनाकर तैयार करेंगे। इसमें हम मार्केट की तरह पीतल की हांडी का इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें मार्केट वाला मटर पतीले का टेस्ट लेकर आएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ली है 250 ग्राम पीली मटर। इसे हमने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। आइए इसे हम हांडी में बॉईल कर लेते हैं। वन टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून देसी घी। इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे। अब हम मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आप मेजरमेंट कप का यूज नहीं कर रहे हैं तो मोटे तौर पर पानी का लेवल मटर से लगभग 3 इंच ऊपर होना चाहिए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी मटर बॉईल हो रही है, इसी बीच हम अपने कुलचे का डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1/4 कप घी, आप चाहो तो बटर का भी यूज कर सकते हो। वन टीस्पून नमक, नमक आप अपने अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हो। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप दही। इसका हम डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए हमने लिया है 1 कप पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये घी और दही से ही लगभग डो बनकर तैयार हो जाता है। मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से 1/2 कप से ज्यादा पानी बचा हुआ है। डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। इसे हम 25 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब अपनी मटर चेक कर लेते हैं। मटर को हम चेक कर लेते हैं। मटर हमारी लगभग पक चुकी है। इसे हम थोड़ा सा और थिक करेंगे, जिससे हमारी मटर में मार्केट वाला टेस्ट आ जाए। अब हम इसका पानी जलाएंगे और इसे खुला ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी नई रेसिपी का वीडियो आपको मिल सके। लाइक, शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, हमारी मटर बिल्कुल थिक हो गई है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है। हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आइए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। मटर को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून भुना जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। 1/2 टीस्पून काला नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग।
हाफ टी स्पून चाट मसाला, एक पिंच सफेद नमक, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। सफेद नमक का इस्तेमाल हम कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने मटर बॉईल करने में 1 टीस्पून नमक डाला था। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इमली का पेस्ट, 1 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हो। ये हमने 1 नींबू का रस लिया है। अब हम इनको जेंटली मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारी मटर में अच्छे से मिक्स हो गया है। आइए इनके साथ सर्व करने के लिए कुलचे तैयार कर लेते हैं। आइए अब अपने कुलचे के डो को चेक कर लेते हैं। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसके हम मीडियम साइज के पेड़े तोड़ लेते हैं। हम इसी प्रकार के सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। पेड़े हमारे टूट चुके हैं, आइए इसके हम कुलचे बेल लेते हैं। कुलचा आप अपने हिसाब से लंबा या गोल रख सकते हो। थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, आप चाहो तो इसकी जगह हरे धनिये की पत्ती का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसे बेल लेते हैं। हमने इसे लंबा बेला है, इसकी बैक साइड पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं। अब हम इसे तवे पर सेक लेते हैं। तवे को मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था। अब हम इसकी साइडों में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और इसे लिड लगाकर पकने के लिए रख देते हैं। अब हम इसे पलटकर इसकी दूसरी साइड सेक लेते हैं। थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं। अब हम अपने कुलचे को चेक कर लेते हैं। कुलचा हमारा दोनों साइडों से अच्छे से सिक चुका है, कितना अच्छा कलर आया है। इसी प्रकार हम अपने सारे कुलचे बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरा कुलचा भी हमारा बेल चुका है, इसकी हम बैक साइड पर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। थोड़ा सा साइडों में पानी डाल देते हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। थोड़ा सा साइडों में पानी डाल देते हैं और इसे लिड लगाकर हम दूसरी साइड को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब अपना कुलचा चेक कर लेते हैं। कुलचा हमारा दोनों साइडों से अच्छे से सिक चुका है, इस पे हम घी ग्रीस कर लेते हैं। घी हम अच्छी तरह लगाएंगे तभी मटर कुलचे का मार्केट जैसा मजेदार टेस्ट आता है। इसी तरह हम अपने दूसरे कुलचे पर घी ग्रीस कर लेते हैं।
आप चाहो तो बटर का भी यूज कर सकते हो। आइए इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। कुलचे हमने अपनी सर्विंग प्लेट में लगा ली है, अब इसमें मटर लगा लेते हैं, कुछ प्याज की रिंग, लेमन स्लाइस। अपनी मटर पर हम थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल कर देते हैं। थोड़े से टमाटर। हमारे मटर पतीला व कुलचे बनकर तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। ये खाने में तो टेस्टी होते ही हैं और ये साथ ही साथ प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। आप सभी ने वैसे तो ये मार्केट में बहुत बार खाए होंगे, लेकिन मेरे कहने पर इस रेसिपी को बनाएं। और यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मार्केट के मटर कुलचे खाना बंद कर देंगे और इसे आप अपने आप बनाकर फैमिली के लिए बनाना शुरू कर देंगे। थैंक यू।